पंजाब के डीजीपी ने ये जो बयान दिया है कि करतारपुर में जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं, सिख एक दिन जाएगा, जब वापस आएगा तो आतंकी बन के आएगा और आके बम ब्लास्ट कर देगा। मैं इन शब्दों का सख्त निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। हमें आपत्ति है ऐसे शब्दों से। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से यही रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब के एक सिख हों और उनकी सरकार ऐसी स्टेटमेंट दे। क्या सिख क्योंकि देशप्रस्ती को चैलेंज किया जाए? सिख एक वफादार है, देशप्रस्त हैं। अगर मानसरोवर कोई जाकर हिंदू श्रद्धालु जाता है, वो आतंकी बनकर नहीं आता, तो कैसे ये कहा जाता है कि सिख श्रद्धालु करतारपुर जाएगा और आतंकी बन के आ जाएगा? कांग्रेस ने 1980 के दशक से लेकर सिखों को बार बार बदनाम किया है, सिखों की दस्तार को बदनाम किया है, सिखों का आतंकवादी बताने का काम किया है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से ये विनती करना चाहता हूं, उनसे आग्रह करता हूं, तुरंत अपने डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने सिखों को आतंकवादी बताने की कोशिश की है, और इस पर स्पष्टीकरण दें और बताएं देश को कि सिख एक देशप्रस्त है, उनको उनकी देशप्रस्ती को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।